जनपद अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के पला साहिबाबाद में कुछ दिन पूर्व एक युवती गैर संप्रदाय के युवक के साथ चली गई थी, जिसको लेकर संप्रदाय में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। अपहरण के कई दिन बीत जाने के बाद भी युवती का कोई सुराग अब तक पुलिस नहीं लगा पाई। जब इस पूरे प्रकरण की बाबत पूर्व मेयर शकुंतला भारती को पता चला तो वह अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ थाना सासनी गेट पहुंच गईं और सीधे पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाने का घेराव करेंगी। दरअसल आपको बता दें कि थाना सासनी गेट क्षेत्र के पला साहिबाबाद मोहल्ले से विगत दिनों गैर संप्रदाय के युवक के साथ एक युवती चली गई थी, जिसको लेकर पुलिस उस युवती का अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वही युवती के परिजन आला अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर इस संबंध में एसएसपी को भी लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया है। परिजनों का कहना है कि युवती की जल्द से जल्द पुलिस बरामदगी कराए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब शकुंतला भारती को जानकारी हुई तो वह अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ थाना सासनी गेट पहुँच गयी और थाना अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द अगर पुलिस अपनी कार्यशैली के चलते युवती को बरामद नहीं कर पाई तो वह थाने का घेराव करेंगी। वहीं दूसरी तरफ युवती के परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से युवक के साथ युवती गई है वह घर संप्रदाय का मामला है। युवती को बहला फुसला कर अपहरण करके ले गया है। वहीं संबंध में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द ही युवती को बरामद कर लिया जाएगा। मन नहीं लगता उसका तो मेरे पास आ जाती फिर मैं बैठा लेती अपने बाकी मेरी साथ में चलना। कौन ले जा लड़का? लड़का उसका नाम है आसिफ नाम का लड़का है। कहाँ रहता है? ये पला रोड पे ही रहता है, बहुत पुराना। तो कैसे संपर्क में आई थी, क्या हुआ था? गौरव नाम का लड़का आएगा वो बताते हैं, मोबाइल ला के देता था तीसरे दिन। तो उससे बातचीत करती थी? उससे बात करती होगी, मैंने तो देखी नहीं थी आज तक बात करते हुए। मैंने तो एक तारीख को माली परी की है, तब मैंने खोल लिया उससे लड़के ने, तब मैंने डांटी है, तब पूछी थी कि क्या बात हुई। जब मुझे वो लड़का गौरव नाम का आएगा वो मुझे मोबाइल देता था तीसरे दिन आके। से ले जा रहे हैं क्या, मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी आपने देखा ये कम से कम छठा केस है ये अभी अभी में, और पला रोड की बिटिया थी, नाबालिग बिटिया है, और वो लड़का क्या नाम है उसका, वसीम क्या नाम, आसिफ, आसिफ नाम का लड़का है, और वो नाबालिग बिटिया को ले गया उठा कर तो, और अभी तक पता नहीं है। तीसरा दिन है आज यहाँ थाने पर इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमें लड़की चाहिए। कैसे लाएंगे कैसे नहीं लाएंगे ये इनका काम है, प्रशासन का काम है, किस तरीके से लेकर के आएंगे। अगर नहीं आती है तो कल ये थाना सासनी गेट भरा हुआ मिलेगा। आप देख रहे हैं इन लोगों ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, इनका मिशन चल रहा है हिंदू बिटियाओं को मुसलमान बनाने। तो क्या लड़का क्या करता था? लड़का करेगा का कोई बामे तो होगा ना। थाना सासनी गेट में एक अपहरण का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक युवती शालिनी नाम की वो गायब है, और इसके संबंध में आशिक नाम का एक व्यक्ति है जो कि मदीना कॉलोनी सासनी गेट का रहने वाला है, का नाम प्रकाश में आया है, और इसके संबंध में FIR पंजीकृत की गई है और पुलिस उसको ढूंढने का पूरा प्रयास कर रही है और जल्द ही लड़की की बरामदगी की जाएगी और आरोपी है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।